अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईद का पहला दिन। आज हम ईदगाह में मौजूद हैं और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईद की नमाज हम पढ़ चुके हैं और सब एक दूसरे के साथ ईद की खुशियां बांट रहे हैं और ईद मिल रहे हैं। हमेशा की तरह हमने नमाज पढ़ ली है और अब सब एक दूसरे के साथ ईद मिल रहे हैं और उसी तरह जैसे हमेशा हम व्लॉग मनाते हैं ईद की नमाज और नमाज के बाद जो हमारे गांव में ईदगाह है डेरी में, तो वहां पे एक बड़ा ईदगाह है जहां पे ईद की नमाज होती है और जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो फिर सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर निकल जाते हैं घरों की तरफ। तो ये हमारा ज़िला मलकन है और आज ईद का पहला दिन और नमाज हम पढ़ चुके हैं और अब घरों के लिए निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना के आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। तो हमारे साथ रहिए और आखिर तक हमारी व्लॉग को देखें और एंजॉय करें। थैंक यू। ये राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये डेरी का नाला है, बारिशी नाला। जो बारिशी पानी आते हैं इस नाले पे, तो जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी इस नाले में आता है। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आबादी है और राइट साइड पे खुली एरिया है जहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो नमाजी आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल, कार और दूसरी गाड़ियाँ सारी तकरीबन यहाँ पे खड़ी होती है खुले एरिया में। नहीं, ये मोटरसाइकिल भी आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। तो ये सब नमाजी काफ़ी दूर दूर से आते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है जो कि आप इस वक्त देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और ईद की नमाज हो चुकी है, सब अभी रवाना हो गए हैं घरों की तरफ और रास्ते में एक दूसरे के साथ दुआ सलाम करते करते जा रहे हैं। और जब ईदगाह से लोग निकलते हैं तो एक खूबसूरत सा मंजर सामने होता है जो कि सारे लोग एक दूसरे के साथ ईद की मुबारकबाद और ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हुए ईदगाह से निकलते हैं और एक अजब सा रौनक यहां पे लगा होता है जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूं ताकि यहाँ के जो ईदगाह के लोग और नमाज जो पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं तो यहाँ का माहौल कैसा होता है।